नमस्कार मित्रों, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से मैं अनीता शुक्ला। सीईटी 2020 की तैयारी के लिए आज का यह वीडियो मेरा सामान्य ज्ञान में इतिहास विषय की चर्चा के लिए तैयार किया गया है। मित्रों, इस बार लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थान सब बंद पड़े हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो हमारे भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी के द्वारा यह वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में सहयोग प्राप्त हो सके और आप लोग घर बैठे तैयारी कर सके। तो आइए हम लोग अपने प्रकरण की तरफ देखते हैं। इतिहास विषय में कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ इतिहास विषय की चर्चा करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है कलकत्ता में, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है जलंधर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला प्रश्न हमारा है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए है सैयद अहमद बरेवली, ऑप्शन बी है मोहम्मद कासिम ननौतवी, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है एम जी रानाडे। तो इसका ऑप्शन ए, ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन ए है केशव चंद सेन, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है सावित्री फूले, ऑप्शन डी है एम जी रानाडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है इसका 1883 में ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1892 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर घोष, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बंबई में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है नागपुर में, ऑप्शन डी है सतारा में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लाल पाल एवं बाल ने से किसका प्रबंध संबंध नहीं है? निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? आप लोग एक बात ध्यान दिया करिए, जहां नहीं वाली बात आती है वहां थोड़ा सा नहीं के आगे कोई निशान लगा दिया करिए, नहीं हम लोग अक्सर इस बात में चूक कर जाते हैं कि है या नहीं है। इसमें देखिए आप ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है विपिन पाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यवसाय ने
किस वायरस ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? तो इसमें लॉर्ड विल्टन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड मिल्टो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कि इसमें पूछा है किस वायसराय ने, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? 16 सितंबर 1905 में, ऑप्शन ए है, बी है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 16 जुलाई 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 16 जुलाई 1905 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में प्रभावी हुई, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। तो इसी प्रकार से नए नए प्रश्नों को हम लेकर आप लोग के बीच में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को देखें और इससे अपनी तैयारी में सहयोग आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।